नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1265 को संसद की पहली बैठक इंग्लैंड में हुई थी। 1261 में पोप से और 1263 में फ्रांस के लुई नोवे से अपील करते हुए हेनरी ने समझौता रद्द कर दिया था, लेकिन एक बैरन ने मामले को झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसका नाम साइमन डे मॉन्टफोर्ट अर्ल ऑफ लिसेस्टर था। बरसों के क्रूर गृह युद्ध की आहट फिर से 1264 में लुईस की लड़ाई में हेनरी को सर्वश्रेष्ठ दिया गया। वह अपना मुकुट रख सकता था, लेकिन अब से यह डे मॉन्टफोर्ट थे जिन्होंने शॉट्स को बुलाया, लेकिन डे मॉन्टफोर्ट में वैधता का अभाव था, इसलिए 20 जनवरी 1265 को उन्होंने कुछ लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करने के लिए वेस्टमिंस्टर में एक संसद का आयोजन किया। आज ही के दिन कोलकाता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। शिक्षा लंबे समय से कोलकाता में उच्च सामाजिक स्तर का परिचायक रही है। यह शहर भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन काल से, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में हुई थी, एवं यह शिक्षा का एक केंद्र रहा है। अंग्रेजी शैली का पहला विद्यालय द हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापित हुआ था। शहर में प्राथमिक शिक्षा का संचालन पश्चिमी बंगाल शासन के द्वारा किया जाता है और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में यह निःशुल्क है। आज ही के दिन भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत 2011 में हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP वह सेवा है जिसके द्वारा उपभोक्ता को अपना मोबाइल नंबर बदले बिना सेवा प्रदाता कंपनी बदलने की सुविधा मिलती है। भारत में यह सेवा 20 जनवरी 2011 को लागू की गई थी। इससे पूर्व छोटे स्तर पर भारत में यह सेवा सबसे पहले हरियाणा राज्य में आरंभ हुई थी। आज ही के दिन 1945 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म हुआ था। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाली परिवार में हुआ था। अजीत कुमार डोभाल सेवानिवृत्त IPS एवं भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे भारत के एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिन्हें शांतिकाल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। आज के दिन 2005 को 70-80 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी का निधन हुआ था। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। परवीन बाबी हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी। परवीन बाबी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी एवं 1970 से 1980 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सुंदरता का जलवा बिखेरने वाली परवीन बाबी की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही। परवीन बाबी का निधन 20 जनवरी 2005 को मुंबई में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 20 जनवरी दिन सोमवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है मन का सुख। मेष, मन के सुख के लिए भाग्य 44%। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। अचानक धन लाभ होने के योग है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। पठन पाठन से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलता बने रहने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। वृष, मन के सुख के लिए भाग्य 75%। रोग की वजह से अनावश्यक खर्च होगा। आपका समय उत्तम चल रहा है। कार्य में सफलता प्राप्ति होगी। वाणी व आचरण पर संयम बरते झगड़े के योग है। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, मन के सुख के लिए भाग्य 41%। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग सफेद व नारंगी तथा निषेध रंग हरा व काही। कर्क, मन के सुख के लिए भाग्य 83%। बेरोजगारों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। कठिन परिश्रम से सोच में सकारात्मकता आएगी। सुखद समय चल रहा है। इच्छाएं पूरी होंगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बरते हानि के योग है। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व पीला। सिंह, मन के सुख के लिए भाग्य 52%। कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग हैं। मनोरंजन और भोग विलासी प्रवृत्तियों में खर्च होगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय उत्तम है। संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी व सफेद तथा निषेध रंग जामनी व स्लेटी। कन्या, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। आय व्यय की तरह उपलब्धियों का संतुलन बना रहेगा। मनोवांछित सफलता मिलेगी।
खूब मेहनत करें, अच्छा फल प्राप्त होगा। कारोबार में अपेक्षा अनुरूप सफलता प्राप्ति के योग है शुभ रंग धानी, नारंगी तथा निषेध रंग बसंती व जामनी। तुला, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। कोई भी अनैतिक कार्य करने से पहले परिणाम ध्यान में रखें। करियर के लिए समय अनुकूल चल रहा है, कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें, समस्या उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सभी प्रकार के सफेद रंग तथा निषेध रंग काला व स्लेटी। वृश्चिक, मन के सुख के लिए भाग्य 50%। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से समय अनुकूल है, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, घर बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा, शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बरते हानि के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग काला व जामनी। धनु, मन के सुख के लिए भाग्य 77%। अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, वित्तीय स्थिति का ख्याल रखने की जरूरत है तथा फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगा सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग को सफलता प्राप्ति के योग है, कार्य क्षेत्र में नवीन योजनाएं बनने के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती व मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा धानी का ही। मकर, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। मन कुछ खिन्न रह सकता है परंतु परेशान ना हो, परिणाम प्राप्ति पर मन हर्षित होगा। भविष्य को सुधारने के लिए आज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। समय आपके अनुकूल है, आपके कार्यों एवं योगदान को मान्यता मिलेगी। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्ति के योग है शुभ रंग स्लेटी सफेद तथा निषेध रंग गुलाबी व लाल। कुंभ, मन के सुख के लिए भाग्य 54%। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। किसी को अच्छा ना लगे ऐसा बोलने से बचे, आपकी छवि खराब हो सकती है। व्यर्थ के तनाव से मुक्ति के योग है शुभ रंग स्लेटी तथा निषेध रंग काही। मीन, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। कार्य में प्रदर्शन बेहतर रहेगा, रोजगार में वृद्धि हो सकती है, अनुकूल एवं फलप्रद रहने के योग है। व्यर्थ के तनाव से घिरे रहने के योग है शुभ रंग पीला नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग नीला काला व हरा। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 7:08 से प्रातः 8:53 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।